हेलो दोस्तों जी, बिल्कुल बाहर के जैसा नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल अपने घर जैसा बनाऊंगी, जो खाने में स्वादिष्ट होगा और मज़ा भी आएगा। अपने हाथों से मैंने एक हेल्दी चीज़ बना के बच्चों को दी है, ठीक है। और क्योंकि बाहर की चीज़ तो मैं करती नहीं, क्योंकि मैं बाहर जैसा कह दूँ और बाहर जैसा ना बने तो बात अलग है, क्योंकि घर की बात अलग होती है। घर में तो हम जैसे माँ बाप को आता बनाना वैसे इसी प्रकार बना के देते हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या, शिमला मिर्च मैंने काट ली है, उसके बाद टमाटर है, इसका बीज भी निकाल लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे, और जो बच्चों को मतलब पसंद है सब्जियां वो डाल लेंगे। इसमें ये नहीं कि टमाटर प्याज ही डालो, और भी आपको सब्जियां पसंद है वो भी डाल सकते हो। तो ये दोनों चीज़ मैंने काट ली, अब काटेंगे प्याज। प्याज को भी ऐसे ही बड़ा बड़ा सा मतलब काटेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, ठीक है, जो बच्चों को पसंद आता है और बच्चे बाहर खाने की ज़िद करते हैं, इसलिए जी ऐसा घर में आया आप लोगों को बनाना, आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इस प्रकार की चीज़ें बना के देना, और बाहर से अच्छा कि घर में तसल्ली रहती है कि हमने एक बच्चे को अच्छी चीज़ मतलब हमने खिलाई है, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो ये थोड़ी सॉस मैंने लगा दिया है, वाइट जो सॉस आती है वो लगा दी, उसके बाद चीज़ जो होता है कोई भी ले लो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो अब आप देखो बच्चों को अपने अंदाजे से खिला सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं खिलाएंगे, हल्का फुल्का ही चीज़ डालेंगे। उसके बाद इस पे हम साथ एक एक करके ये शिमला मिर्च और क्या कहते हैं प्याज टमाटर वगैरह लगा लेंगे, जिस प्रकार भी आपको लगाना तो उसी प्रकार लगा ले। मैंने कहा ना कि मैं बाहर वाली जिद नहीं करूँगी कि बाहर के बाहर ऐसा बनता तो मैं वैसे ही सेम टू सेम वैसे बनाऊँ। अरे बाहर और घर में फिर फ़र्क ही क्या रहा जब सेम ही बनाना है तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ, ठीक है। मेरी मर्ज़ी ये थी तो मैं इस प्रकार बना रही हूँ, ठीक है ना। मैं किसी की चीटिंग करती हूँ ना मैं किसी को मतलब ये चीज़ें मतलब मेरे बच्चों को मतलब अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं आप जैसा बनाओगे सही है वैसे ही खा लेंगे हम। तो ये क्या किया मैंने, इन पे आप थोड़ा सा चीज़ और डाल लेंगे, उसके बाद थोड़े मसाले जो हैं कुटी हुई लाल मिर्ची डाल लेंगे, थोड़ा सा बच्चों को आजकल मैगी मसाला बहुत पसंद आया तो इसमें मैं थोड़ा हल्का हल्का ना मैगी मसाले भी डाल दूँगी, ठीक है। तो पिज्ज़ा से बची हुई है ये चिली फ्लेक्स जो है ये डाल देंगे मैंने, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और उसके बाद वही मैगी मसाला डाल देंगे जो बच्चों का फेवरेट होता है और बच्चों को पसंद भी आ जाता है ये चीज़। तो मैंने ये डाल दिया है और इसको बनाएंगे तवे पे। तो दोस्तों तवा गर्म कर लेंगे, तवा पे लगा लेंगे थोड़ा सा मक्खन घी कुछ भी जो आपको पसंद आए, और फटाफट इसको रख देंगे और गैस को बिल्कुल मंदा रखेंगे और बीच बीच में इसको मतलब घुमाते रहेंगे, नहीं तो एक साइड सिक जाएगा एक साइड नहीं सिकेगा। तो इसको घुमाना है और इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च और इनको भी पकाना है, तो उसकी स्टीम से ये शिमला मिर्च और ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने घुमा घुमा के पका लिया था ये, और ये देखो इस प्रकार ये बन के तैयार हुआ है। तो इसको निकाल लेंगे, अब इसे कट कर लेंगे, तो ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाए। बहुत ईजी तरीके से ये चीज़ें बन जाती दोस्तों। टाइम निकालो अपने बच्चों के लिए और इस प्रकार की डिशेज़ बना के खिलाओ, जो बच्चे आपकी भी तारीफ़ करेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा और बाहर वाले बाहर की जिद भी नहीं करेंगे खाने की। तो ये पिज़्ज़ा मेरा तो बन के तैयार हो गया, कैसा लगा, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे हौसला ही मिलेगा। कोई मैं मतलब इतना वो नहीं करूँगी कि मतलब बहुत अमीर बन जाऊँगी, तो इसलिए है कि लाइक करने का मतलब ये होता है कि हाँ लोगों को पसंद आए ये चीज़, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया, मेरे पानी आ रहा, आप लोगों को भी आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मस्त सा ये बन के तैयार हुआ है। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।